मत्स्य एसबी फाउंडेशन के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों से प्रदेश स्तर की नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। नटराज डांस कॉम्पिटिशन सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा प्रदेश की प्रतिभाओं को चिन्हित कर कला के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का कार्य वासुदेव एसबी फाउंडेशन ने बखूबी निभाया है और इसी क्रम में नटराज डांस कॉम्पिटिशन सीजन 4 का भी आयोजन किया गया। नगर निगम टाउन हॉल में आनंदी सुंदरियाल, जो कि डॉक्टर निशंक की बड़ी बहन है, उनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत पहुंचे। संस्था की सचिव ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों के द्वारा सहयोग भी किया गया, उनका भी वो धन्यवाद करते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल इतने ज़्यादा डांस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करने लगे हैं, इसी तरीके से मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग और सपोर्ट करिए। पेरेंट्स से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, और मैं देहरादून आता रहता हूँ, बहुत सारे सिटीज़ में एज अ जज मैंने देखे है, बहुत टैलेंट निकल रहा है यहाँ से देहरादून से, और इतना टैलेंट देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। देहरादून में पहली बार मैं बहुत टाइम ऑडिशन में जज किया प्रोग्राम्स में मैंने, और इस प्रोग्राम के बारे में बस यही कहना चाहूँगा, इतना अच्छा टैलेंट यहाँ पर देखने को मिला मेरे को, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम्स वाजे फाउंडेशन ने कराया। आज नटराजा डांस कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने प्रोग्राम किया है, और काफ़ी अच्छा टैलेंट देखने को मिला यहाँ पर, और इसी तरीके से कॉम्पिटिशन से आप लोग बच्चों को बहुत आगे मंच पर लेके जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब देहरादून का नाम होता है, अपने शहर का नाम होता है, जब ये एक स्टेट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म करते हैं बच्चे। पुरस्कार वितरण में प्रथम 9 प्रतियोगियों को 3100 रुपए, द्वितीय 9 प्रतियोगियों को 2100 रुपए, तृतीय 9 प्रतियोगियों को 1100 रुपए नकद पुरस्कार भी दिया गया, साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।